हेलो नमस्कार जय हिंद। अमेरिकी परिसंघ को जहां अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, वहीं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्यों और कैसे जानेंगे सब कुछ। मैं हूं सचिन, आपके संघर्ष का साथी। अनुच्छेद एक कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। इससे दो बातों का स्पष्टीकरण होता है, पहला देश का नाम और दूसरा देश की राज पद्धति। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्जित या विजित क्षेत्र जिसके अंतर्गत है युद्ध द्वारा, जैसा कि गोवा 1961 में, संधि द्वारा सिक्किम 1974 में एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल है, अभ्यर्पण स्वेच्छा से जैसा कि पौंडिचेरी 1954। अनुच्छेद दो कहता है भारत में संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद तीन द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है अथवा दो राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है। अनुच्छेद चार कहता है कि अनुच्छेद एक दो तीन पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद चार में यह भी व्यवस्थापित है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र की सीमाओं नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अतः इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद तीन के अंतर्गत राज्य निर्माण नामकरण विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। अनुच्छेद दो नए राज्यों के तहत ऐसा कोई प्रावधान अनिवार्य नहीं है। किसी राज्य के निर्माण या विनाश के लिए भारतीय संविधान के तहत संबंधित राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है, लेकिन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधायिका को प्रावधानित समय के लिए संदर्भित करना होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।